सकते हैं, इट कैन बी फेड. सिमिलरली जो कार में कम्युनिकेशन आती है, दिस कैन बी फेड. उसको आप दिखाई नहीं देते कम्युनिकेशन, इट कैन बी फेड. सो वो कम्युनिकेशन को आपने क्या करना है, ऑक्सीजन की तरह एवरी टाइम हमने क्या करना है, उस कम्युनिकेशन को हमारे कान में बार बार आनी चाहिए, कई बार आनी चाहिए. आप लोग को मैंने एक वीडियो दिखाया था वंडर गर्ल का, वंडर गर्ल का वीडियो देखा था आपने? ये ज्यादा नहीं देखा था, नहीं देखा था अगर तो वंडर गर्ल का वीडियो फिर जा रही थी. आप अगर 60-70 लोग बैठे हुए यहाँ पर तो 10 बच्चों ने वीडियो देखनी शुरू करी. मैंने आपको बताया था एक साइंटिफिक मेथड है कैसे हमारा ब्रेन जो है काम करता है कम्युनिकेशन को प्रोसेस करने के लिए. हाउ द ब्रेन वर्क्स, यू प्लीज अंडरस्टैंड, अ चाइल्ड हु इज जस्ट 6 मंथ्स ओल्ड, जो सिर्फ गोदी में होता है, वो कुछ बोल नहीं पाता. आई एम गिविंग यू द लॉजिकल एनालिसिस, राइट. एक गोदी वाला बच्चा कभी बोल पाता है? उस गोदी वाले बच्चे के कान में आवाजें जाती हैं, उसकी मम्मी की, उसके डैडी की, उसके रिलेटिव्स की, उसके आस पड़ोस में जो लोग रहते हैं उन लोगों की आवाजें जाती है ना. बार बार, कई बार, 50 बार, 100 बार, 500 बार, 5000 बार वो बात सुन लोगे तो आपको उस लैंग्वेज का मीनिंग समझ में आने लगेगा. क्योंकि वो 6 महीने का बच्चा, उसको नहीं मालूम है हिंदी लैंग्वेज क्या होती है. अगर उस 6 महीने के बच्चे को हम कहाँ पर ले जाएंगे, लंदन में ले जाके गोदी में रख लेंगे ऐसे में, उसी 6 महीने के बच्चे को हम जापान में ले जाएंगे और उसको रख लेंगे, उसी 6 महीने के बच्चे को इंडिया में तमिलनाडु में ले जाएंगे रख लेंगे, उसी 6 महीने के बच्चे को कैलकटा में ले जाएंगे, वेस्ट बंगाल में ले जाएंगे रख लेंगे. तो वो जो 6 महीने का बच्चा है जो लंदन में है, 2 साल के बाद कौन सी भाषा बोलेगा? वो 6 महीने का बच्चा जापान में कौन सी भाषा बोलेगा? जापानीज. वो 6 महीने का बच्चा तमिलनाडु में कौन सी भाषा बोलेगा? वो 6 महीने का बच्चा कलकत्ता में कौन सी भाषा बोलेगा? वेस्ट बंगाल में कौन सी भाषा चलती है? बंगाली. समझ में आ गया? बच्चा 2 साल तक बोल सकता है तो आप सारे बच्चे तो समझदार हो, इंटेलिजेंट हो, यू कैन टॉक इन इंग्लिश फ्लुएंटली. Just 1 month, 1 year time. Just 7-8 months, 9 months, 10 months. That is my promise to you. Plus, please follow. Please follow the instructions which I am saying. It is very, very important and serious. इस बच्चे ने तो बात बोली है, बहुत अच्छी बात बोली है. अपने ideas share करते हैं, thoughts share करते हैं. Communication उसको कहते हैं. वो communication का माध्यम कुछ भी हो सकता है. वो हिंदी भी हो सकता है, वो इंग्लिश भी हो सकता है, वो फ्रेंच भी हो सकता है, वो जर्मन भी हो सकता है, वो जापानीज भी हो सकता है, वो बंगाली भी हो सकता है, हिंदी भी हो, कुछ भी हो सकता है, राइट. सो उस अब प्रॉब्लम क्या है कि आपका सिलेबस अंग्रेजी में है, आपको लिखना अंग्रेजी में है, तो क्या आप चाहते हो कि आप लोग रट के लिखो? सही है सुनो, आप लोग चाहते हो क्वेश्चन का आंसर रटते रहो, रटते रहो, उसके बाद एग्जाम में आ जाओ और फटाक से लिख दो. उससे क्या हो रहा है, आपको आपके पीछे की क्लास का जो कोर्स एंड सिलेबस है वो आप भूलते जा रहे हो. आप क्लास में तो आगे जा रहे हो, फोर्थ या फिफ्थ में आ रहे हो, लेकिन फोर्थ क्लास में सिलेबस का, एसएसटी की, ज्योग्राफी की, आपने साइंस की बुक्स पढ़ी वो सब भूलते जा रहे हो और नई क्लास में आते जा रहे हो. तो नुकसान किसका हो रहा है? आपका खुद का नुकसान हो रहा है, आपके पापा का नुकसान हो रहा है. उन्होंने फोर्थ क्लास की फीस जमा करी, वो फीस क्या हो रही है, सीधे होती चली जा रही है. क्योंकि आप फोर्थ से फिफ्थ में तो गए लेकिन फोर्थ क्लास की सारी चीजें आप भूल गए. आपने सिर्फ पास करने के लिए उस क्लास में गए कि मेरे एग्जाम है, मुझे पास करना है, इसलिए मुझे पढ़ना है. अगर आप खुद की अंडरस्टैंडिंग के लिए पढ़ना शुरू करोगे बेटा तो 2 चीजें होंगी. एक ये कि जो फोर्थ क्लास का कंटेंट है वो काफी दिन तक हमेशा आपके पास रहेगा, और जब आप फोर्थ क्लास के बाद कॉम्पिटिशन में जाओगे उसी फोर्थ क्लास के कंटेंट में से कॉम्पिटिशन आता है. IAS का एग्जाम भी 4th, 5th, 6th, 7th, 8th की बुक से आता है, NCERT की बुक से आता है. तो वो आप हमेशा अपने साथ में रख पाओ. इसलिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, क्योंकि लैंग्वेज पे कमांड के बगैर नहीं हो सकता. मैं आपको एक स्टोरी सुनाऊंगा हिंदी में, आपको बहुत अच्छी लगेगी. 90% सब्जेक्ट अंग्रेजी में है और 90% आप लोग हिंदी में बात करते हैं, और यही एक कारण बन जाता है कि हम क्या करते हैं, हमारा ब्रेन फंक्शन करता है उसको कॉपी पेस्ट करने में, कि हम जल्दी जल्दी याद करें. याद
करते करते उसको रटने लगते हैं, राइट। और हम चाहते हैं कि आपके उस रटने के माध्यम को हम हटा दें और आप उस चीज को समझना शुरू कर दो। यदि यही हिंदी लैंग्वेज में होता तो आप समझना शुरू कर देंगे, समझना क्या आपको ज्यादा अच्छा समझ में आता, क्योंकि अभी जो मैं बात कर रहा हूँ 100% अगर ऐसी कोई हुआ तो यू मे नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड 100%, ऐसा होगा ना 100% नहीं समझ रहेगी, कुछ होता है होते हैं कुछ वर्ड्स है कुछ वोकैबुलरी है वो नहीं सुने हो, तो इसलिए सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है, हमने क्या करना है कम्युनिकेशन पे ध्यान देना है। और सबसे इम्पोर्टेंट कम्युनिकेशन में कौन सा फैक्टर होता है जो 6 महीने के बच्चे पे लागू हुआ था, वो कौन सा फैक्टर था बताओ भाई, उसने क्या ऐसा किया था?